भेजी चलो ना, जल्दी चलो। भेजी आपको परिमा से बहुत लड़ना पड़ा होगा ना मेरी वीरा लाने के लिए। ऐसे आसानी से तो नहीं छोड़ा होगा परिमा ने मेरी वीरा को। मेरी वीरा है इतनी सोनी। बीजी अब कितने लड़े थे परिमा से, कह दिया उन्होंने कि मेरी वीरा के पास पैसे नहीं है, वरना मेरी बहादुर सी बीजी फिर से मार देंगे परिमा को। रणबीर कितनी बात करता है, अभी अभी ठीक हुआ ना, डॉक्टर ने कहा है ज्यादा बात ना करे, अभी बहुत कमजोर है तू, चल। हाँ बीजी कमजोरी तो बहुत लग रही है, वीरा नु उठा के चला भी नहीं जा रहा, आप उठाओ ना नु। मैं कैसे, तू उठा। कैसे मतलब, इतनी बड़ी परिमा से लड़के आ रही हो और इतनी छोटी मेरी वीरा नु नहीं उठा सकती। बीजी बहुत कमजोरी से लग रही है, मतलब मैं वीरा नु उठाते उठाते कभी नहीं सकता, उठाओ ना बीजी, उठाओ ना नु। अच्छे से बीजी संभाल के, गिर ना जाए। बीजी ऐसे ऐसे गले से लगा लो नु, और ये ना ये ऐसे कर दो, दुपट्टा ऐसे कर दो उसे धूप नहीं लगेगी, और ऐसे बीच बीच में फूंक मारते रहो, इतना अच्छा लगता है। बच्चा पाला है मैंने, चल चुप जा। मेरी बीजी बचा कर लाई है मेरी वीरानु परिमा के यहाँ से, मेरी बहादुर सी बीजी। परिमा को इतना दूर भेज दिया कि वापस मेरी वीरा के पास कभी नहीं आएंगी वो। दस महीनों की फिर रतन, और वो तेरी वीरा का है वो। हेलो आ गए, सर को भूख लगी होगी ना, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। हाँ भेजी भूख तो लगी है, क्या बनाओगी? शाम को मेरा रणवीर जो कहेगा वो बना दूंगी, पर अभी के लिए डॉक्टर ने कहा है सिर्फ खिचड़ी खिलाने के लिए, वो बना देती हूँ। रतन पुत्र तू आराम कर ले, थक गई होगी, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। नहीं जय जी, आज मैं अपने रणवीर के लिए खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। मैं कपड़े बदल कर आई। खून?